आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास की ऐसी दर्दनाक घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपका मानवता से विश्वास हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उन सनकी डॉक्टर्स की क्रूरता को दिखाने वाले हैं, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाले एक्सपेरिमेंट किया करते थे। ऐसे डॉक्टर्स जो एक जिंदा शरीर को काटने से पहले दो बार नहीं सोचते थे। ऐसे डॉक्टर जो दो जुड़वा बच्चों के शरीर को अलग अलग करके एक दूसरे से चिपकाने का एक्सपेरिमेंट करते थे। ऐसे डॉक्टर जो एक इंसान को सिर्फ समुद्र का पानी पिलाकर जिंदा रखना चाहते थे। जी हाँ, ऐसे पागल डॉक्टर जो मासूम बच्चों के सिर पर हथौड़ा मारकर ये टेस्ट करना चाहते थे कि क्या ये बच्चा जिंदा रह सकता है। और ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अपने पागलपन की सीमाएं तोड़ते हुए गर्भवती औरत के शरीर पर जानलेवा वायरस छोड़ दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नाजी एक्सपेरिमेंट की, जिन्हें सुनने मात्र से लोगों की रूह कांप जाती है, और आज भी लोग इन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने से डर जाते हैं। नाजी एक्सपेरिमेंट इतिहास के पन्नों में दर्ज वो दर्दनाक कहानी है, जिसे अगर आप सुनेंगे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या एक डॉक्टर जिसे भगवान कहा जाता है, वो किसी दूसरे इंसान के साथ इस हद तक क्रूरता कर सकता है। तो दिल थाम कर बैठ जाओ और बने रहो वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की ये वीडियो बयां करती है उन लोगों की दर्द भरी कहानी जो नाजी एक्सपेरिमेंट का शिकार हुए। दोस्तों, नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट की घटना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुई थी। दरअसल जब एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ, तब हिटलर ने यहूदी लोगों के खिलाफ सामूहिक नरसंहार के लिए जो रास्ता अपनाया था, उसे हम द होलोकॉस्ट बोलते हैं। एडोल्फ हिटलर पूरे यूरोप पर अपना कब्जा चाहता था, तो उसने साल 1939 में पोलैंड पर हमला करके वर्ल्ड वार टू शुरू कर दिया और धीरे धीरे यूरोप के कई देशों पर हिटलर ने अपना कब्जा कर लिया। यानी ये देश सीधे तौर पर चले गए नाजी पार्टी के अंडर में। इसके बाद हिटलर ने इन सभी देशों में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे यातना शिविर बनाए। इन शिविरों को यातना शिविर इसलिए कहा जाता है कि इनमें रहने वाले कैदियों के साथ नाजी डॉक्टर्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके बारे में बात करने से आज भी लोग सहम जाते हैं। हिटलर ने इन यातना शिविरों में रोमानी लोग, सिंधी लोग, चेक प्रजाति के लोग और जो अपाहिज थे या जो मानसिक रूप से बीमार थे या विकलांग थे, उन लोगों के अलावा जिन जिन देशों पर नाजी पार्टी ने कब्जा किया था, उन देशों के सैनिकों के साथ जो क्रिमिनल और सब्स जाति के लोग थे, उन सभी को इन शिविरों में बंदी यानी कैदी बनाकर रखा गया था। अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों को कैदी बनाकर क्यों रखा गया। तो हिटलर का मानना था कि ये लोग यूरोप में रहने के लायक नहीं है, इसलिए इन सभी को क्रूरता की हद पार कर देने वाले इन शिविरों में रखा गया और यहीं से शुरू हुआ नाजी एक्सपेरिमेंट का सिलसिला। दोस्तों, नाजी एक्सपेरिमेंट यूं तो शुरू नहीं हुए थे। दरअसल उस समय नाजी जर्मन में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि नाजी लोगों की आबादी बहुत कम थी और नाजी पार्टी चाहती थी कि उनकी आबादी जितनी हो सके उतनी ज्यादा हो जाए। इसके लिए उन दिनों एक कानून भी लागू किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग हर नाजी महिला को कम से कम 4 बच्चे तो पैदा करने ही है, जिससे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की संख्या बढ़ सके। इसके साथ ही नाजी पार्टी के लोग चाहते थे कि पूरे यूरोप में सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही रहे, बाकी दूसरे समुदाय के लोग नहीं। नाजी जर्मनी में उन दिनों काफी समस्याएं थी और इन समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ के डॉक्टरों को आदेश दिए गए कि वो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करे जिससे एक नाजी महिला हर बार ट्विंस बच्चों को जन्म दे, जिससे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की संख्या जल्दी बढ़ सके। इसके साथ ही अगर कोई वॉर हो जाता है तो उसमें मान लीजिए कोई प्लेन क्रैश हो गया और नाजी सैनिक समुद्र में डूब गए, तो क्या इन सैनिकों को समुद्री पानी से बचाया जा सकता है? क्या ये सैनिक ज्यादा ठंडे पानी या ज्यादा गर्म पानी में रह सकते हैं? इसके अलावा अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है तो क्या उसको जल्दी सही किया जा सकता है? इसी प्रकार के ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स नाजी पार्टी ने नाजी डॉक्टरों से करने के लिए कहा। उस समय नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की पहचान उनकी नीली और भूरी आंखें हुआ करती थी, इसलिए इन डॉक्टर्स को एक और आदेश दिया गया कि जो नॉन जर्मन लोग हैं, किसी तरह उनकी भी आंखें नीली और भूरी कर दी जाए। इससे हमें ज्यादा संख्या में नॉन जर्मन लोग भी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के रूप में मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्सपेरिमेंट किन पर किए जाएं? क्योंकि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के खिलाफ तो ये एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकते थे, इसलिए यातना शिविर में कैद उन लोगों पर इन एक्सपेरिमेंट को किया गया और बस।
फिर यहीं से शुरू हो गई लाखों लोगों की दर्द भरी मौत की कहानी। यातना शिविर में कैद लोगों पर जर्मन चिकित्सकों ने कई तरह के खतरनाक और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि इन एक्सपेरिमेंट में लगभग 7 लाख लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। उन दिनों क्रूरता की वजह से एक डॉक्टर को एंजल ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता था। नाजी आर्मी का एक ऐसा डॉक्टर भी था जिसने इन कैदियों पर अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी, जिसका नाम था जोसेफ मेंगले। जोसेफ मेंगले ने इन कैदियों पर ऐसे प्रयोग किए जिन्हें सुनकर आप भी सहम उठेंगे, जो सिर्फ एक कट्टर नाजी था, जिस वजह से उसे नाजी आर्मी में एक विशेष दर्जा भी मिला हुआ था। वो कैंप में बंदी बनाए गए लोगों पर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करता ही रहता था। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट से पहले भी कैदियों की छटनी होती थी। जो कैदी काम करने में एलिजिबल थे उन्हें अलग रखा जाता था, और जो कमजोर थे उन्हें हिटलर के गैस चैम्बर में घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब हम आपको बताते हैं जोसेफ मेंगले के वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है। जोसेफ मेंगले को जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता था, जो बाद में उसकी सनक का कारण भी बना। माना जाता है कि जोसेफ ने लगभग 1500 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चों पर ये प्रयोग किए थे, जिनमें से सिर्फ 200 बच्चे ही जिंदा बच पाए, जबकि बाकी सबकी दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल इन सभी जुड़वा बच्चों को जेंडर ऑफ उम्र के हिसाब से अलग अलग रखा जाता था और उन पर कई एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जैसे 2 जुड़वा बच्चों में से किसी एक की आंख निकालकर दूसरे की आंख में लगा दी जाती थी, फिर दूसरे बच्चे पर जो असर हो रहा है उसको देखा जाता था। इतना ही नहीं, दोनों जुड़वा बच्चों के आधे आधे शरीर को काट कर एक दूसरे के कटे हुए भाग में जोड़ दिया जाता था। उसके बाद उनमें जो बदलाव आता था उसे देखा जाता था। इतना ही नहीं, एक बच्चे का हाथ काटकर दूसरे बच्चे में जोड़ना और दूसरे बच्चे का पैर काटकर पहले बच्चे में जोड़ना, ये तो आम बात हो गई थी। और अगर इन एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी भी एक बच्चे की मौत हो जाती तो उसके साथ साथ दूसरे को भी बेरहमी से मार दिया जाता था और फिर इनकी लाशों का अध्ययन किया जाता था। अब जो एक्सपेरिमेंट हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए ये डॉक्टर्स चेक किया करते थे कि अगर एरोप्लेन चलाते समय हमारा सैनिक अचानक से गिर जाए और उसके शरीर पर कहीं चोट आ जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप मानेंगे नहीं, लेकिन इन कैदियों में से कुछ कैदियों को 20,000 मीटर की ऊंचाई से फेंक दिया जाता था। इस दौरान कई कैदियों की मौत हो जाती थी और जो जिंदा बचते थे उन पर भी ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। इतना ही नहीं, इन कैदियों को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊंची ऊंची जगहों पर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि ये पता चल सके कि ये लोग कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा अगर इनका कोई सैनिक किसी ठंडे पानी में डूब जाए तो उस वक्त सैनिक की क्या हालत होगी, इसको जानने के लिए नाजी डॉक्टर्स इन कैदियों को 3 से 4 घंटे तक बर्फ से भरे टैंक में रखा करते थे। इतना ही नहीं, टैंक में रखने के बाद उन्हें कई घंटों तक -6 डिग्री सेल्सियस तापमान में बिना कपड़े के रखा जाता था और इसके तुरंत बाद ही कैदियों को खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता था। अब इस प्रयोग में मेंगले ये पता लगाना चाहता था कि ऐसी कंडीशन में इंसान का शरीर किस तरह से रिएक्ट करता है। इन डॉक्टरों की सनक इतनी बढ़ चुकी थी कि अब इनके लिए ये कैदी सिर्फ एक्सपेरिमेंट का जरिया बन गए थे। क्या बच्चे और क्या महिलाएं, सब पर हर दिन इतने दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जिन्हें सुनने मात्र से हमारी रूह कांप जाती है। तो सोचिए इन कैदियों पर क्या गुजरती होगी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो आगे है। दरअसल ये डॉक्टर हेड इंजरी एक्सपेरिमेंट के लिए जो तरीका अपनाते थे उसके बारे में आज भी कोई बात नहीं करना चाहता है। हेड इंजरी टेस्ट के लिए ये लोग 11 से 12 साल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इस दौरान इन बच्चों को एक कुर्सी में बांध दिया जाता था ताकि वो हिलडुल ना सके, और इसके बाद इनके सिर पर मशीनी हथौड़े से हर मिनट तेजी से मारा जाता था। इस टेस्ट में कुछ बच्चे तो पागल हो गए, जबकि आधे से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। अब आप खुद सोचिए इन मासूमों पर कितना खतरनाक प्रयोग किया जाता था। लेकिन इन पागल डॉक्टरों के एक्सपेरिमेंट यही नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने शुरू किया सी वाटर एक्सपेरिमेंट। दरअसल ये जानना चाहते थे
कि अगर इनका कोई नाजी जर्मन सैनिक युद्ध के दौरान समुद्र के पानी में डूब जाए तो उसे कैसे जिंदा रखा जा सकता है या उसे कैसे मौत के मुंह से बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए इन डॉक्टर्स ने समुद्र के पानी की शुद्धता की जांच करने के लिए नाजी कैदियों पर जो प्रयोग किया वो बेहद ही खतरनाक था। दरअसल जोसेफ मेंगले ने कैदियों को भूखा प्यासा रखकर सिर्फ समुद्र का पानी पिलाकर जिंदा रखा। कई दिनों तक उन्हें इसी कंडीशन में रखने के बाद नाजी फिर उनके शरीर पर कई तरह के प्रयोग किया करते थे, जिस दौरान कई कैदियों की तो मौत हो जाती थी। फिर जो बच जाते थे उन्हें हिटलर के गैस चैम्बर में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इतना ही नहीं, मेंगले और उसके साथ के डॉक्टर्स कैदी बच्चों का पहले तो रेप करते थे और फिर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनकी याददाश्त मिटा दिया करते थे। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं होती थी उनके शरीर पर जानलेवा वायरस छोड़ दिए जाते थे। ये सुनकर शायद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए, लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट जोसेफ मेंगले और उसके सन की डॉक्टर्स बिना इन मरीजों को एनेस्थीसिया दिए ही करते थे। अब आप खुद सोचिए, एक जिंदा शरीर को जब काटा जाए तो उसे कितना दर्द होगा। दो जुड़वा बच्चों के शरीर को बिना एनेस्थीसिया दिए जब अलग कर दिया जाए तो वे बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे। बिना कुछ खिलाए पिलाए सिर्फ समुद्र का पानी पीकर एक इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, हर समय का अंत आता है। इस क्रूरता से भरे समय का भी अंत आया और 1945 की शुरुआत में नाजी कैंप को दुश्मनों की सेना ने बुरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन जोसेफ मेंगले उस समय तक सनकी हो चुका था और लोगों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मारना अब उसका शौक बन गया था और वो अपनी इन मौत की फैक्ट्रियों में की गई रिसर्च को बचाना चाहता था। लेकिन उसने अपनी सारी रिसर्च अपने एक दोस्त को सौंप दी और खुद वहां से फरार हो गया। आपको बता दें कि आगे चलकर मेंगले को हार्ट की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से 1979 में जब वह अटलांटिक महासागर में तैरने गया तो स्ट्रोक की वजह से उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। तो इस तरह इतिहास के पन्नों में कैद इस मौत की कहानी का अंत हो गया और यही हमारी वीडियो भी खत्म होती है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।